ओके ऑल राइट, सो आई जस्ट होप दैट इट कैप्चर्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो. एनी वेज आई विल जस्ट कंटिन्यू. कंप्लीशन है, जजमेंट इन रिवर्स है, किंग है, किंग ऑफ वॉन्स है, हाई प्रेस्टेज इन रिवर्स में है. ओके, बैलेंस तो पूरा बिगड़ा हुआ है और टावर भी है. बैलेंस इज नॉट ओनली अनबैलेंस्ड बट मूविंग टूवर्ड्स समथिंग दैट विल ब्रेक थिंग्स अप क्वाइट पॉसिबली, राइट. तो यहाँ पे आया है जजमेंट, यहाँ पे टावर इन रिवर्स में है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं. एक काम करते हैं, टू गेट अ मोर डीपर क्लैरिटी लेट्स पुल आउट द क्लैरिफायर्स, क्योंकि ऐसी एनर्जी है ना जैसे कि कुछ कंप्लीट होना चाहता है, कुछ वीक चीज़ें हैं रिलेशनशिप की वो बहना चाहती हैं, निकलना चाहती हैं, बट समहाउ यू आर जस्ट काइंड ऑफ गोइंग विद इट, है ना. यहाँ पे भी जजमेंट का कार्ड है कि भाई सुनो सुनो सुनो, रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज है, रुको बैठो देखो एड्रेस करो रिफ्लेक्ट करो. यस यस, चीज़ें बाहर आएंगी बाहर आएंगी. यहाँ पे हाई प्रीस्टेस इज वॉट, शी इज रिवीलिंग थिंग्स, या रादर देर आर थिंग्स दैट नीड्स टू बी रिवील्ड. यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बाहर आना चाहती हैं, पर शायद आप क्लियर क्लीन डिस्कशन नहीं कर रहे हो, इस तरह की मुझे एनर्जी लग रही है. ऐसा लग रहा है जैसे कि किंग ऑफ वॉन्स मुंह फेर के बैठा हुआ है, ये डिस्कशन नहीं कर रहा है. और यहाँ पे हमारे एंजल्स क्या है, दे आर ब्लोइंग द ट्रम्पेट, सुनो 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 सुनो, मेरी बात सुनो, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जिस पे नज़र डालने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, क्लीन बात करने की ज़रूरत है, साफ सफाई से क्लियर शब्दों में बात करने की ज़रूरत है, इशू को एड्रेस करने की ज़रूरत है. देर इज समथिंग, कुछ गिर रहा है, कुछ टूट रहा है, देखो 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 देखो. बट ये किंग ऑफ वॉन्स देख रहे हो, उधर मुंह करके बैठा है जैसे कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो. नेगेटिव अवतार में नहीं है लेकिन जैसे कि उसे फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इस तरह की एनर्जी दिख रही है. यहाँ पे डेविल पता नहीं क्या कर रहा है. एनीवेज इसको क्लैरिफायर्स लेंगे हम लोग, इसका क्लैरिफायर्स फॉर दीज कार्ड. देख रहे हो 10 ऑफ सोर्ड, ये सब टेंशन वाली एनर्जी है ना, तो देखना तो पड़ेगा ही. चलो ठीक है, कैन वी प्लीज हैव द क्लैरिफायर फॉर दीज थ्री कार्ड्स योर एंजल्स, वी थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस. यस, हैंग्ड मैन के लिए है इसीलिए नहीं सुन रहा है बात, क्या कर रहा है, ये डिसीजन नहीं ले रहा है. किंग ऑफ वॉन्स इज समबडी हुज एंटरप्रेन्योर, इज वेरी गुड विथ मेकिंग डिसीजंस गाइस. ओके, ही रशेस, एक्शन भी है, पैशन भी है, डिसीजन लेने का हिम्मत भी है, पर समहाउ ये अवॉइड कर रहा है. हैंग्ड मैन की पोजीशन में क्या है, अभी बोला ना कि जैसे कि इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सुन रहा है पर ध्यान नहीं दे रहा है, उधर मुंह करके बैठा हुआ है. क्यों ये बिगुल की आवाज जो ईश्वर उसको बजा रहा है, यूनिवर्स दे रहा है, सुन नहीं रहा है, एड्रेस नहीं कर रहा है चीजों को. कुछ सम थिंग्स इन देयर रिलेशनशिप नीड्स इमीडिएट एड्रेसल, इशू को एड्रेस करो. यहाँ पे टावर गिर रहा है, 9 ऑफ सोर्ड 10 ऑफ सोर्ड तो कार्ड इससे गिर गए, आपने देखा. ये उधर मुंह करके क्यों बैठा है, क्योंकि एक हैंग्ड मैन की पोजिशन में है, शायद डिसीजन नहीं ले पा रहा है या नहीं लेना चाहता है, क्योंकि शायद उसके पास क्लैरिटी नहीं है या फिर कोई मजबूरी है, क्या है गॉड नोज. अब देखते हैं आगे क्या होता है. यहाँ पे देखो स्ट्रगल कर रहा है शायद. ऑल राइट, अब क्या देखें. या एक चीज कंप्लीट हो रही है तो एक नया चीज स्टार्ट भी हो रहा है, यही तो यूनिवर्स उसको ट्रम्पेट बजा के बताना चाह रहा है ना, कि चीजों पे बैठो मत, जिस सिचुएशन को तुम्हारे टाइम की जरूरत है, एड्रेस करने की जरूरत है, डोंट इग्नोर इट, एड्रेस इट, उस पर चुपचाप बैठो मत रहो. अगर किसी का हाथ जल गया है तो उसको बैठे रहोगे क्या, कि उसको तुरंत जाके फर्स्ट एड दोगे. तो वही चीज़ है, यहाँ पे फर्स्ट एड वाली सिचुएशन बन गई है. एड्रेस द इशू, टावर इज कमिंग डाउन. और अगर तुम एड्रेस करते हो तो यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग भी होने की संभावना है, लेकिन मुंह फेर के ऐसे बैठे रहोगे कि कुछ हो नहीं सकता सिचुएशन का, तो कहाँ से कुछ होने वाला है. इसीलिए ये एंजल्स इतना बिगुल को, ट्रम्पेट को जोर से बजा रहे हैं. दिस इज द कॉल दैट यू कैन नॉट इग्नोर, यू कैन ओनली प्रिटेंड दैट यू आर नॉट लिसनिंग इट. और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस से कुछ रिवीलेशंस तो हो रहे हैं,
और कुछ मैटर सामने आ रही है, कुछ बात सामने आ रहा है, टावर से रिलेटेड हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं, कंप्लीशन होना चाहता है कुछ फेज का, एंड आई थिंक जो भी चीज़ें रिवील हो रही हैं ना उस पर एक्शन लेने की ज़रूरत है, उस पर चैरियट पे बैठ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने थ्रोन पे बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। डू यू सी दिस हाउ ब्यूटिफुली इट इज़ कनेक्टिंग? यहाँ पे वो थ्रोन पे बैठ के मुंह उधर फेर के बैठा है, जबकि इसको करना क्या चाहिए, जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन रिवील हुई है, सिचुएशन बनी हुई है रिलेशनशिप पे, उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। टावर गिर रहा है, एक्शन लो, चैरियट पे बैठ के आगे बढ़ो भाई, थ्रोन पे मत बैठे रहो, बस काम खत्म हो गया यहीं पे। चलिए एक कार्ड हम बंदे के लिए निकालेंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी है जहाँ पे उनको एक्शन लेना है, ठीक है ना। इनसिक्योरिटी है कुछ, पैसे जॉब वॉब से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, जैसे कि वो अपने करियर पे फोकस है और अपने रिलेशनशिप पे ध्यान नहीं दे रहा, कुछ इस तरह का। क्यों? क्योंकि उसको अपने रूट चक्रा को स्ट्रांग करना है, सर्वाइवल को ठीक करना है। एनीवेज गाइडेंस कमिंग फॉर द गाई, योर एंजल्स कैन यू प्लीज हैव, थैंक यू सो वेरी मच। डिजायर टू कंट्रोल पीपल, अपनी इच्छाओं के हिसाब से, अपनी जरूरतों के हिसाब से आप दूसरों को कंट्रोल कर रहे हो। बींग ओवर कंट्रोली कैन सैबोटैज द रिलेशनशिप, यहाँ पे सैबोटैज हो रहा है, टोटल सैबोटैज। टू मोर इफेक्टिवली अचीव योर गोल्स, बैक ऑफ, रीग्रुप, गिव द सिचुएशन सम ब्रीदिंग स्पेस। तो लोगों दूसरों उस बंदी को शायद वो बहुत कंट्रोल कर रहा है, नहीं करना चाहिए, नेगेटिव वे में कंट्रोल नहीं कर रहा है, बट यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्स है ना, किंग ऑफ वॉन्स क्या है, ईगो एनर्जी, तो यहाँ पे बहुत स्टबर्न हो रहा है ना, मैं ही ठीक हूँ, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो किंग ऑफ वॉन्स की वो एक एनर्जी होती है, ही इज नॉट डाउन राइट नेगेटिव, बट यस ही इज बींग स्टबर्न, उसे लगता है कि वही सही है, तो ये चीज है। बंदी के लिए कैन वी प्लीज हैव वन कार्ड डियर एंजल्स, यस वी हैव द कार्ड, रिसेंटमेंट है यहाँ पे। क्यों रिसेंटमेंट है? क्यों? क्योंकि दोनों खेल कूद नहीं रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, और डेफिनेटली अगर आपको कोई साइलेंट वे में, पैसिव वे में कंट्रोल करने की कोशिश करे, कोई पैसिव आपको रिस्पॉन्स दे, तो रिसेंटमेंट तो हो जाता है। तो यहाँ पे एड्रेस करिए भाई, बस ये हो गया और क्या। चलो अब हम लोग जल्दी से एक एक पॉजिटिव कार्ड भी ले लेंगे, एंड देन वी विल रैप इट अप, रैप द थिंग। एक बंदी के लिए गाइडेंस ले लेते हैं, एक बंदा के लिए ले लेते हैं पहले, बंदे के लिए। बम बम बम, अंकित के लिए गाइडेंस आ रहा है। यस योर इंट्यूशन इज करेक्ट, टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन लेना है, जिद के हिसाब से नहीं लेना है। देर आर टू थिंग्स राइट, वन इज ईगो, वन इज इंट्यूशन। ईगो हमसे जबरदस्ती काम करवाता है, पर इंट्यूटिव जो चीज़ें फील होती हैं, इनर वॉइस, इट टॉक्स इन अ वेरी सटल वे, बहुत सॉफ्टली हमारा इंट्यूशन हमसे बात करता है। पर ईगो क्या बोलता है, नहीं नहीं यही करना है, नहीं नहीं तुम यही करो, कंट्रोल। ईगो ट्राइज टू कंट्रोल, 3D चीज़ है, पर इंट्यूशन क्या है, इंट्यूटिव चीज़ है। या सो गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल, प्रियंका, प्रियंकित, हर्षित चोपड़ा एंड प्रधान। ओके गाइडेंस कमिंग फॉर द गर्ल प्रियंका, ओके वी हैव द कार्ड। ड्रीम बिग, लेट गो ऑफ स्मॉल थॉट्स अबाउट योर सेल्फ, सी योर सेल्फ सक्सीडिंग। रिसेंटमेंट है, ब्लेस चेंज, ब्लेस चेंज इंडीड, बट एक्शन लेगा, बात सुनेगा, तब तो होगा ब्लेस चेंज। अ मेजर लाइफ चेंज कैन ब्रिंग यू ग्रेट ब्लेसिंग। यहाँ पे देखो, या तो ये चीज़ टूट के गिरेगी, या तो ये न्यू बिगिनिंग होगा। अब डिसीजन इनके हाथ में, क्या करना है इनको, एक्शन लेना है। सो दैट इज द गाइडेंस कमिंग फॉर दीज टू पीपल, दिस कपल, दिस वीक। डू लेट मी नो योर थॉट्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।